दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपने भी कभी न कभी ये जरूर से सोचा होगा कि जब मेरे भी YouTube पर 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो YouTube मुझे भी प्ले बटन जरूर से देगा। और ये सपना आप ही का नहीं बल्कि हर यूट्यूबर का होता है। पर बहुत से लोगों को 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी YouTube उनको सिल्वर प्ले बटन नहीं देता। तो YouTube आखिर ऐसा करता क्यों है कि वो कुछ लोगों को प्ले बटन देता है तो कुछ लोगों को प्ले बटन नहीं देता? और क्या जिन लोगों को प्ले बटन नहीं मिल पा रहा है वो क्या अपने चैनल पर गलती कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है? बताएंगे आज आपको सारी बात। बने रही है वीडियो में अंत तक। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि YouTube किसी को प्ले बटन देता है तो किसी को प्ले बटन नहीं देता। YouTube की नजर में सभी क्रिएटर एक समान है। बस जिन क्रिएटरों को सिल्वर प्ले बटन नहीं मिल पा रहा है वो अपने चैनलों पर कुछ गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से YouTube उनके सिल्वर प्ले बटन को रोक लेता है। तो आज हम उन सभी गलतियों के बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली गलती है क्रिएटरों की वो ये है कि वो लोग अपने चैनल पर 2 से 3 महीने तक वीडियो लगातार डालते हैं, लेकिन जब उनका चैनल ग्रो नहीं होता तो वो अपने चैनल को छोड़ देते हैं। और जब 6 महीने साल भर बाद उनको पता चलता है कि उनके चैनल की कोई वीडियो वायरल हो चुकी है और उनके चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अब हम भी सिल्वर प्ले बटन को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि YouTube का मानना यह है कि आपको अपने चैनल पर लास्ट 6 महीने में एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अपने चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन को लेने के लिए मान्य रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब लोगों को सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलता तो वो लोग कहते हैं कि हमें तो YouTube ने सिल्वर प्ले बटन दिया ही नहीं, जबकि हमने तो 100K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आपको भी सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं क्रिएटरों की दूसरी सबसे बड़ी गलती की। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती क्रिएटर ये करते हैं कि वो अपने चैनल पर दूसरे की वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अब आप इस जगह मेरा कहने का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि आप अपने चैनल पर लगातार वीडियो खुद से ही क्रिएट करते हैं, लेकिन कई बार क्रिएटर क्या गलती कर देते हैं कि जब वो किसी काम से बिजी हो जाते हैं तो वो किसी भी सोशल मीडिया से वीडियो को डाउनलोड करके YouTube पर डाल देते हैं। लेकिन जब आप सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करते हैं तो YouTube आपकी हर वीडियो को चेकिंग करता है। अब भले YouTube को आपकी कुछ ही वीडियो में ही सही, लेकिन अगर रियूज कंटेंट देखने को मिला तो ऐसी स्थिति में भी YouTube आपके सिल्वर प्ले बटन को रोक लेता है। तो दोस्तों, मेरा कहना इस जगह ये है कि अगर आप किसी दिन अगर वीडियो नहीं बना पाते तो उस दिन अगर आप वीडियो नहीं भी डालेंगे तो एक दिन में आपके चैनल की रीच नहीं डाउन होती। और अगर आप अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियो डालना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा में अपने पास वीडियो बनाकर रखें। इससे क्या होगा कि आपको अगर किसी दिन टाइम नहीं भी मिलेगा तो आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं जो आपने अपने चैनल के लिए एक्स्ट्रा में बनाकर रखी है, जिससे कि आपको कहीं भी अदर सोशल मीडिया से वीडियो को डाउनलोड करके YouTube चैनल पर नहीं डालना पड़ेगा। और अब बात करते हैं YouTube पर अगली सबसे बड़ी गलती की, जिससे कि आपका सिल्वर प्ले बटन रुक जाता है। और वो गलती ये होती है कि आपके चैनल पर लास्ट 365 डेज में अगर YouTube को आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या वार्निंग स्ट्राइक देखने को मिल जाए जिस समय कि आपने अपने चैनल का सिल्वर प्ले बटन अप्लाई किया हो, तो YouTube आपके सिल्वर प्ले बटन को रोक लेगा। और ये जो नियम है ये YouTube ने कुछ ही समय पहले ही लागू किया और है। जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या वार्निंग स्ट्राइक है ये आपके चैनल पर तब देखने को मिलती है जब आप अपने चैनल पर कोई ऐसी वीडियो डाल दे जो YouTube कम्युनिटी के खिलाफ हो, तो YouTube 90% ऐसी स्थिति में आपके सिल्वर प्ले बटन को रोक लेगा। तो दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और स्ट्राइक से बचना है, तभी आप YouTube सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अब बात करें अगली गलती की, तो अगर आप अपने चैनल पर स्पैम वीडियो यानी कि ऐसी वीडियो जिससे लोग गुमराह होते हैं, अगर ऐसी वीडियो आप अपने चैनल पर डालते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं भी है तो भी आपको सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका चैनल पहले मोनेटाइज था लेकिन किसी कारण से वो सस्पेंड हो गया तो आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेटों की जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचा सकें।